हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ सोनानू। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टायर रिव्यू। हाँ जी, वापस से और एक टायर रिव्यू। तो इस बार मेरे हाथ में है सीएट सेचुरल जूम फ्रंट टायर ट्यूबलेस वाला, जो अच्छी बड़ी गाड़ियों में लगता है, जैसे कि 150 सीसी, 125 सीसी और 150 सीसी प्लस या 200 सीसी, 180 सीसी, इनके फ्रंट टायर्स में लगता है। और इसका नंबर है 9017। मैक्सिमम पल्सर वगैरह जो भी है उसमें यूज़ हो जाता है। अगर आपके पास स्पोर्ट बाइक है तो सेचुरल जूम के लिए ही जाए। ये मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए। क्योंकि सबसे मेन कारण जो उसका साइड में जो डिज़ाइन बनी हुई है, वो अब तो रोड टर्निंग या टर्निंग वगैरह के टाइम काफ़ी ब्रिलियंट आप तो ग्रिप देगी, जिससे आपकी गाड़ी स्लिप ना हो। बाकी ऑन द हाईवे इट्स अ बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि 225 किलोमीटर की स्पीड भी अगर वो टायर झेल सकता है, ये इंडिया में सिर्फ C8 ने तरी था है, और किसी के टायर में इतना दम नहीं। बाकी रही रिप्लेस की बात, तो C80 अनकंडीशनल वारंटी है। फटा तुझ भी हुआ C8 अब तो एक्सचेंज में दे देगा। हाँ, थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा रिप्लेसमेंट का, वो अंतिम क्राइटेरिया रहती है, वो टायर ले जाना लाना उसका तुच्छ अमाउंट निकलता है, उतना देर करना पड़ेगा, पर डेफिनेटली न्यू टायर से सस्ता मिलेगा। तो चलिए, अब तो जल्दी से मैं आपको टायर दिखा था उसका एक शॉर्ट रिव्यू बता देता हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है सेचुरल जूम, वन ऑफ द ब्रिलियंट डिज़ाइन बाय द सीएट टायर। हाँ, तो ये जो डिज़ाइन है सेचुरल जूम, वन ऑफ द ब्रिलियंट डिज़ाइन बाय सीएट टायर। ऐसा क्यों? तो जैसे ही आप देख पा रहे हो, ये एक जापर डिज़ाइन का जूम टायर है। जापर डिज़ाइन MRF में बोला जाता है रेगुलरली, इसको रेडियल टायर भी बोला जाता है। तो इसका जो मिड पॉइंट है, तो ये जो तट दे रहे हो, ये आपको स्टेबली देगा। बाइक कितनी भी स्पीड में जाए आप स्टेबल हो दे, ये इंश्योर था, नहीं तो ये मिडल वन। और जो एयर तट होता है, एयर तटिंग के लिए ये रेडियल टायर होता है, ये एयर तटिंग के लिए है। तो इसके थ्रू आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी, मिलियन स्पीड पे आप गाड़ी भरा की मिली थी पॉशन। रोड कटिंग के लिए अगर आप रोड कट टर्न, जैसे कि आप टर्न करो दे, रोड कटिंग करो दे, फिर शार्प टर्न मारो दे, तो उस वहाँ पर आप तो अच्छी ग्रिप इसके थ्रू मिली थी। ये जो छोटे छोटे कट देख रहे हो, ये ग्रिप बनाए रखे थे अपना टायर पर, तो गाड़ी ये तो ये जल्दी स्लिप भी नहीं होगा। So it is one of the best tire by the C8 for the sports bikes। ये ज़्यादातर टायर अगर आपको यूज़ करना है तो हाईवे वगैरह पे ही यूज़ करना, ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं। और ये जो बना है पूरा नायलॉन से बना हुआ है, तो अगर ये नायलॉन रबर का टायर है, मुझे हमेशा सीएट से वही कंप्लेंट है, नरम आता है। बाकी जैसे ही सीएट का टेंशन नहीं है, अनकंडीशनल गारंटी वारंटी, टटा पटा कुछ भी हो, जल्द आए कुछ भी हो, टायर ले आओ, रिप्लेस करो, रिप्लेस का जो भी डिफरेंस है उसमें पैसे दो, बात खत्म। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टायर, वापस से बोलता हूँ, स्पोर्ट्स बाइक के लिए सिर्फ स्पोर्ट्स, ये ध्यान में रहे। ये अगर टायर यूज़ करना है स्पोर्ट्स बाइक में ही यूज़ करो, और ये टायर रेनी सीजन में भी ज़्यादा स्लिप नहीं होगा। तो भी इसको साइड से ये जो थट्टी दी हुई है, साइड से जो ये थट्टी दी हुई है, ये आपको ग्रिप करेगी
ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਬਾਕੀ ਆਫ ਰੋਡ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਔਰ ਸੀ ਏਟ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੂਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 225-230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਝੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਮੈਂ ਸੇ ਸਿਰਫ ਸੀ ਏਟ ਨੇ ਦਰਦਿਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਟਾਇਰੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 225-230 की स्पीड ये टायर इजीली झेल सकते हैं। तो राइट, तो इसी तरह हमें और ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि आपके लिए नए नए वीडियो में लाता रहूँ। और ये टायर रिव्यू आप तक कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी टायर से रिलेटेड छोटे मोटे डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना, फिर मिलेंगे।